तो आरजेडी की मैनिफेस्टो को लेकर सियासत गर्मा गई है। लालू ने भ्रष्टाचार का रोडमैप बनाया, ये कहा सम्राट चौधरी ने। डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास हुआ, चिराग पासवान अलग से यहां आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साध रहे हैं। और उधर जेडीयू की तरफ से भी बयान आया है, जेडीयू की तरफ से बयान आया कि आरजेडी का अहंकार चरम सीमा पर है। तो आज सुबह ही आरजेडी ने अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया और उसको लेकर देखिए किस तरह से एनडीए गठबंधन से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर सामने आ रही है। लालू प्रसाद जी के परिवार ने यह नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे, जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। कसौटियों पर अगर बिहार को कसा जाएगा तो बिहार तो देश में रोल मॉडल है। आप 1 लाख रुपया कह रहे हैं, हम लोगों ने तो जाति गणना कराकर हर भूमिहीन परिवार को, गरीब परिवार को 2 लाख रुपया व्यवसाय के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बना दिया। इसका क्या औचित्य है? 50 लाख रुपया तो हम देते हैं, पचास हजार बेटी जब स्नातक पास करती है तब 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, 1 लाख रक्षाबंधन के दिन और बहन के राखी की भी रक्षा माननीय नीतीश कुमार जी के। उधर आरजेडी के मैनिफेस्टो पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतूराम मांझी, उन्होंने भी हमला बोला। जीतूराम मांझी ने बकायदा आरजेडी पर वार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपोस्ट पर भी लिखा, ये देखिए उनका एक्सपोस्ट पर लिखा हुआ, आरजेडी के घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें छूट गई हैं जो निम्नलिखित हैं। भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, सूरज पश्चिम से उगाएंगे, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे, पहाड़ हवा में उड़ेगा। अब जब तेजस्वी यादव जी को पता है कि उनकी सरकार बन ही नहीं रही तो वो कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, ये कहा जीतूराम मांझी ने। तो बता दें आपको, हम अध्यक्ष जीतूराम मांझी जो कि एनडीए में शामिल होने से पहले यही महागठबंधन के साथ थे, लेकिन अब किस तरह से निशाना साध रहे हैं पाला बदलते ही आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर, और कह रहे हैं कि पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे और इसीलिए कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। बता दें आपको एक बार फिर कि आज ही आरजेडी का घोषणा पत्र सामने आया है और बिहार में आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर किस तरह से एनडीए वर्सेस इंडिया होता नजर आ रहा है, ये देखिए। ये 24 के लिए आरजेडी के 24 वचन हैं। विशेष राज्य बिहार को दर्जा मिले, गरीब महिला 1 लाख रुपए, 200 यूनिट बिजली फ्री, और मेरे सहयोगी सौरभ कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, अब तक बीजेपी का तो घोषणा पत्र सामने आया नहीं, लेकिन आरजेडी के इस घोषणा पत्र को, 24 वचन को लेकर खूब रार होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को ये पता है कि घोषणा का मतलब क्या है, मुद्दों का मतलब क्या है। आपने 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा होगा जब तेजस्वी यादव ने पहली बार 5 लाख नौकरी और सरकारी नौकरी की बात की थी और उसके बाद कैसे पूरा जो चुनाव था वो तेजस्वी यादव के पीछे आ गया था, यानी सारे पॉलिटिकल पार्टी उसके बाद यानी तेजस्वी के बाद नौकरी की बात करने लगे थे। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव को मौका मिला, यानी 17 महीने की जब उनकी सरकार आई, हालांकि भले वो डिप्टी सीएम थे लेकिन जब 17 महीने की उनकी सरकार आई तो करीब
ढाई से तीन लाख युवाओं को नौकरी देने का काम भी किया गया। तो निश्चित तौर पर अब तेजस्वी यादव को ये पता है कि पूरा देश जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है, जो युवा हैं वो काफी परेशान है अपने रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर। ऐसे में अगर हम नौकरी की बात करेंगे तभी हम युवाओं के बीच जा सकते हैं, और उसी के तहत आज आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि घोषणा पत्र का नाम जो है वो परिवर्तन पथ रखा गया, लेकिन उसमें कई सारे तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र में कई सारे वचन यानी 24 वचन का उन्होंने जिक्र किया एक एक करके। कारण वो ये कह रहे थे कि चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है इसीलिए पार्टी के तरफ से 24 वचन जारी किए गए हैं देश के लिए। उसमें सबसे जो बड़ी बात थी 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नौकरी जो की जो प्रक्रिया है वो 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर बड़ी बात है। हालांकि जो विपक्ष है तो वो ये कह रहा है कि सौरभ नौकरी वाला दाव यहाँ पर खेला गया है और वाकई बड़ी चुनौती यहाँ पर ये बन गया है, और उसी को लेकर तमाम बयान सामने भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में 7 राज्यों के बचे उम्मीदवारों की लिस्ट होगी, और इसके साथ ही दिल्ली की 3 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, शाम 6 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी, और दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया को टिकट दिया जा सकता है। चांदनी चौक से संदीप दीक्षित उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। तो फिलहाल जो तस्वीर है शाम 6 बजे और क्लियर हो जाएगी जब सीसी की ये मीटिंग होगी, और जो तमाम राज्यों में बचे हुए अब जो उम्मीदवार हैं 7 राज्य हैं खासतौर से, अब उसके लिए भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी।